की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले ब्रेड का गुलाब जामुन। हाँ जी, सही सुना, ब्रेड का गुलाब जामुन। तो ब्रेड का गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप घर में बना सकते हो। तो जाओ मेरी रेसिपी को देखो, और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, और इस रेसिपी को अपने घर में बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। नैन की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले ब्रेड का गुलाब जामुन। ब्रेड का गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए 8 से 10 ब्रेड, जिसे हमने चारों कोने से काट लिया है, आप देख सकते हो, और 1 कप दूध, 1 कप चीनी, 1 कप ऑयल, और 3 से 4 इलायची, और ये हमने पानी लिया है, पानी हमने इससे 1.5 कप नाप के इसमें डाला है। चलिए शुरू करते हैं। हमने 8 से 10 ब्रेड लिया है, जिसे हमने चारों तरफ से काट लिया है। सभी ब्रेड को हम हाथ से तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ब्रेड को छोटे छोटे आकार में तोड़ने से उसका डो बहुत ही आसानी से बनता है। सभी ब्रेड हमने तोड़ लिया है। अब हम 4 से 5 स्पून दूध डालेंगे। दूध आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ज़्यादा दूध डालने से आपका डो गीला बन जाएगा, इसलिए दूध आप हिसाब से डालें। बाद में आपको दूध की ज़रूरत पड़े तो आप मैनेज कर सकते हो। अब अपने हाथों से सभी ब्रेड को मैश करना है। डो को मैश करते टाइम आपका ब्रेड ड्राई लगे तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो डो को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब अपने डो में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, जिससे हमारा डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो डो में हमारा ऑयल सेट हो चुका है, हमारा डो एकदम चिकना हो चुका है। अब हम इसे लंबा लंबा रोल करेंगे और इसकी लोई निकालेंगे। लोई निकाल कर हम इसका गोल गोल बॉल बनाएंगे। ठीक इस तरह हम गुलाब जामुन के सभी बॉल को तैयार करेंगे। गुलाब जामुन का बॉल हमें एकदम गोल गोल बनाना है, इसे बड़े आराम से हमें अपने हाथों पे रोल करना है। सभी गुलाब जामुन के बॉल को इसी तरह रेडी करेंगे। सभी गुलाब जामुन के बोल एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो कितना गोल है ये। अब हमें सभी बोल को फ्राई करना है। पैन हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम करते हुए एक बात का ध्यान दें, आपका फ्लेम लो हो, हाई फ्लेम पे पकाने से बोल जल्दी जल जाएगा, इसलिए हमें लो फ्लेम पे पकाना है। अब हमें सभी गुलाब जामुन के बोल को डालना है। बोल को डालते टाइम एक बार आप हाथ से हिला के देख ले कि आपका फ्लेम ज़्यादा हाई तो नहीं है। हमारा फ्लेम एकदम ठीक है, इसी तरह आप सभी बोल को डाल दें। सभी बोल को हमने डाल दिया है, अब हमें इसे ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और सभी बोल को हम अच्छी तरह हिला लेंगे। गुलाब जामुन के बोल को ब्राउन होने में कम से कम 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा, इसलिए हम इसे बीच बीच में हिलाएंगे। आप चाहे तो सभी बोल को एक साथ हिला सकते हो, मैं एक एक करके हिलाऊंगा, जिससे हमारे बोल सभी अच्छी तरह पके। आप देख सकते हो बोल में हमारा लाइट ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। गुलाब जामुन के बोलों को अच्छी तरह हिलाना है, जिससे आपके बोल बीच बीच में कच्चे ना रहे। गुलाब जामुन का कितना प्यारा कलर आ रहा है, आप देख सकते हो। जब हमारा गुलाब जामुन का कलर आधा ब्राउन हो जाए तो हमें बार बार इसे हिलाना है, जिससे हमारा गुलाब जामुन एक तरफ ज्यादा ब्राउन ना रहे।
अब हम सभी गुलाब जामुन को निकालेंगे। आप चाहे तो इसे और ब्राउन कर सकते हो। अब हमें गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करनी है। पतीला हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को हमने चीनी वाले कप से पहले से नाप के रखा था। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें एक कप चीनी डालेंगे। चीनी को हमें मेल्ट होने तक पकाना है। चीनी हमारा मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें इलायची डालेंगे। अब हमें इसे अच्छे से हिलाना है और देखना है हमारे चाशनी में कितना टाइम लगेगा। चाशनी को हमें 2 मिनट तक और पकाना है। चाशनी को हिलाकर देखेंगे, चाशनी हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम अपना फ्लेम बंद करके 5 मिनट तक ठंडा करेंगे। चाशनी हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें सभी बॉल को ऐड करेंगे। सभी बॉल को ऐड करने के बाद हम अपनी चाशनी को हिलाएंगे और सभी बॉल में अच्छी तरह चाशनी को लगाएंगे। गुलाब जामुन को सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। गुलाब जामुन एकदम रेडी हो चुका है, तो जाओ इस रेसिपी को आप भी बनाओ।